तो अभी फिलहाल शाम के 7:22 हुए हैं और यहाँ पे मम्मी का पॉपट हो गया। आज नंदू ने मम्मी का चश्मा ले रखा था और इसकी डंडी तोड़ दी थी, तो यहाँ मम्मी का पूरी तरह से पॉपट हो चुका है फिलहाल। इस ये तो जुड़ भी नहीं सकती, मम्मी जुड़ जाएगी, जुड़वानी पड़ेगी, तो कल को इसकी डंडी डलवानी पड़ेगी। और इसके बिना तो मम्मी एडिटिंग भी इम्पॉसिबल है, एडिटिंग नहीं कर सकती बिल्कुल भी। इसके बिना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसी से मुझे लगे काम चल सके। इसमें रस्सी बांध लो आज के लिए, एक तरफ रखे तो गया, रखे गया बस इतनी ही देर तो रखना, बाकी काम तो हाँ आधा घंटा पौन घंटा बस, एक घंटे का। तो चलो कल को ही जुड़वाना पड़ेगा, बट पूरी तरह से कैसा हो गया इधर से। कभी लगाया है ऐसा चश्मा, बिना डंडी वाला चश्मा देखा कभी? ये तो बिल्कुल वो बन गया, एक डंडी वाला। नंदनी ना कर दिया, आज नंदनी लगाई फिर रही थी, सोई भी से ले गई हाथ में। हाँ, और मैंने जब उसे छीना और रोने लगी थी, मम्मी कह रही सबको रुआ ले इसे, और आरुषि को ही ना रुआ लिए, चुप नहीं होने की वे, अगर एक बार मम्मी याद आ गई तो। नहीं इसके मम्मी याद नहीं आ रही, अब मस्त है। तो अभी आज हमारा प्लान था कहीं बाहर घूमने जाने का, वो आज कैंसिल हो गया। मम्मी बोल रही कि कल चलेंगे, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया था और ठंड आज बहुत ज़्यादा है। ठंड तो डेली इतनी पड़ती है, लेकिन फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा है, और इतने सारे बच्चों को लेके कहाँ घूमेंगे, तो कल या परसों बच्चों के प्लेंगे। साथ बाहर जाना बड़ा मुश्किल है, और हम 7 लोग हैं। है ना। हाँ, और अभी चलो खाना बनाने की तैयारी। पहले तो ये था कि यहाँ बाहर खाना खा के आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है बुआ जी को भी खाना बनाना पड़ेगा। बुआ जी क्या बना रहे हो खाने में? क्या बना रही? मैं बना रही खिचड़ी, आलू वाली बच्चों के लिए। खिचड़ी का ऐसा है ना, नंदनी पेट भर के सो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है फिर, क्योंकि दोपहर में भी उसने रोटी नहीं खाई, चावल रखे थे ना, चावल आलू खाए उसने, रोटी नहीं खाती वह ज्यादा है, पापा ही खावे। जो बच्चों को आदत पड़ी है पेट भर के खाने की, वो ही बनाना चाहिए। काली दाल की खुलवा लो या फिर छोंक के कैसे भी खा लेंगे, पर खा लेंगे। जब बच्चा पेट भर के खिचड़ी खा रहा तो खिचड़ी खिलाओ ना। हाँ। जब नहीं, जिसी पेट भरा। तो अभी मम्मी कहीं घूमने भी गई थी फाटक वगैरह पे, पैदल ही गई थी, और वो लेके आई थी हमारे लिए बहुत सारा सामान, ड्राई फ्रूट्स और नमकीन। और नमकीन तो मम्मी रखी थी, और ड्राई फ्रूट्स भी थे, और अभी मूंगफली वगैरह लेके आई मम्मी, और नंदिनी के लिए बनाना ले गए थे, वो घूमने गए थे, और वहाँ कुछ सब्सक्राइबर भी मिले इन्होंने, ये उनसे भी मिले थे मम्मी। तो चलो अभी ये एडिटिंग करेंगे, और हम भी मतलब मस्ती में मस्ती करते हैं बस। पूरा व्लॉग बनाना तो बड़ा मुश्किल है, 7 बच्चों के साथ में घर को संभालना, व्लॉग बनाना 1 घंटे में परेशान कर दिया अल्लाह ना, परेशान नहीं करो बच्चे ना, और खेल लेते बस बच्चे को, बच्चों ने परेशान नहीं करो, लड़ाई हाँ बस लड़ने दो, तो बच्चे जब बच्चे खेलेंगे लड़ेंगे तो बच्चे और कितना टाइम थोड़े थोड़े बच्चे बताएंगे। ये अपना खाना घर में क्या चल रहा है, आवाज दूर तक जाना पड़ा कामीर का, ही है लड़ने का, खेलने का, रोने का, रुआने का, ये तो बचपन का कला है। तो चलो अभी आप खिचड़ी बनाओ, हम खिचड़ी खाएंगे आज, ठीक है? क्योंकि दिन में हमने पनीर खाया था, कल रात भी आलू मटर थे, तो आज हल्का सा ही खाना खाएंगे। एक वो भी मंगा लो, चॉपिंग बोर्ड सा आवे, वो सब्जी काटने का ही वो आवे बोर्ड सब, लकड़ी का। हाँ जी है ना, तो इस पे फिजल सी जाना। हाँ, उस पे है फिजलता नहीं है। हाँ, लकड़ी का तो है ना। देखे मैंने इस कुकर में तेल डाल दिया है, और ये सामान तैयार कर लिया है मैंने, देसी भाषा में बोले तो खिचड़ी बनाने का सामान तैयार कर लिया है मैंने। ये प्याज है, ये टमाटर है, इसमें एक गोहर मिर्च है, ज़्यादा नहीं डाली बच्चों की वजह से, ये मटर है, उसमें गाजर आलू है, और ये चावल भी बहुत तेल से जो तुम ये तुम लोग अगर तेज कर देंगे 8 तक हो जाना है, नहीं 8 तक ओ 3 तक ही। हमारा चौक जल गया, हम बात करने लगे थे, फूफा जी आए थे, आपने बातों के चक्कर में चौक जलवा दिया। अब नहीं है चावल के रखे, हाँ चावल रखूंगी, चौक जलगा आज जल देखो, आपकी वक्त जल जाएगा देखो, नहीं लग रहा ना चावल।
तो हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। सुबह के 10:30 बज गए हैं और बच्चे जग जाते हैं 8 बजे, रात के सोते हैं 12:30 बजे और यहाँ पर देखिए सर्दी में पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। चिंकी ने सुबह से ही साइकिल चलानी शुरू कर दी है। हमारे वाले रूम में सबसे पहले जगह था आरुष, जब उसकी बुआ ने गेट खोला था। तो जी ये देखिए, आपके वाले रूम में कौन उठा था सबसे पहले? मेरे वाले रूम में तो मैं उठी थी। अच्छा, और हमारे वाले में फिर नंदनी उठी थी सबसे लेट। आप पढ़ा था ना ऐसे ही? हाँ, हमारे वाले रूम में सबसे लेट ये उठी थी। सही कह रहे, आप तो ऐसे ही बैठे हुए थे। और मैं उठी थी कब? छोटे से लेकर। और ये देखो ये डोगरू का एवं लग रहा, क्या खेल रहा डोगरू? एक बार तो रेल का डब्बा बना लो, हो गया। हाँ सही कह रहे, बड़ा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा फोटो खींच लो। चुक 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 रेल गाड़ी, सही आइडिया दिया वैसे इन्होंने। आज चलो यही करते हैं, फिर थोड़ा जो लंबा सा वो सा खड़ा कर लो, फिर छोटा सा वो सा खड़ा कर लो, फिर सबसे छोटे को कर लो, कर लो इन खड़े कर लो। और तू कहाँ तक घूम के आई साइकिल पे? मैं ना यूं तक घूमी आई, जैसे ये जावे ना गली वो मुड़ है। अच्छा, घूमी आई वन से मोड़ के लिया। कोई दिक्कत अच्छा। नहीं घूम लो बेटा, घूम लो यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा कुत्ते कत्ते का डर है, कोई दिक्कत नहीं है। कुत्ते चिपट गए थे पर मैं इतनी तेज। और जब प्रेशर बनता है तो लोग कहाँ जाकर चुपते हैं, आप देख ही सकते हैं, मेज के नीचे उनका ठिकाना है। ये देखो, इतनी चड्डे में नहाने को किन्ना खा बिना मतलब की चल दिया बाथरूम की तरफ को। सबका नाश्ता पानी हो चुका है, फिलहाल हमारी किचन का दिन है ये। ये देखो हम दया नहीं कर रहे हैं और ठंड लग रही है हमें भी और हमारी किचन को भी। और ये देखो इधर से लेके इधर तक बड़ी बिल्कुल किचन हो जाएगी चकाचक। अभी थोड़ी देर में हम लगेंगे और बस अभी संगवाना शुरू करेंगे बिस्किट वगैरह। बच्चे बादाम भी नहीं खा रहे जड्डे के मौसम में, ये तो टकी डाल दो। और 4-5 मिठाई के डिब्बे में तो बस ये बच रहा, अभी इसकी पैकिंग खुली नहीं, वैसे बच्चों ने सारे खा लिए। ये देखो छोले, ऐसे छोले तो मैंने पहली बार देखे, इतने काले, ये तो साग जैसे लग रहे हैं। इन्हें घेरती क्यों नहीं है? अब घेर रही है। और इनका टेस्ट भी ज्यादा अच्छा नहीं था, बहुत गंदे लग रहे हैं। छोले तो इसमें दिख भी नहीं रहे, ये तो पता नहीं क्या है, पता नहीं इसमें दूर दूर तक छोले नजर। ये लोहे की कढ़ाई में बनने होंगे ना, तो इस वजह से इनका रंग चेंज हो रहा। लोहे की कढ़ाई का सब्जी का, हाँ लोहे की कढ़ाई में हर उस चीज का रंग चेंज हो रहा। इनका टेस्ट भी अच्छा नहीं था, खाए थे थोड़े से ही खाए थे, ज्यादा चटपटे से बने थे ना क्या? हाँ अजीब से लग रहे थे, मसाले ज्यादा थे इसमें। हमने तो बप्पा खा लिया था। और कौन सी और कुछ नहीं, क्या लाना? क्या खाने में? बिस्किट तो तुम लाएंगे, तो जब पैसे खत्म हो गए थे तो उसका पैकेट और ब्रेड का पैकेट। ठीक है, रस तो रखे हैं ही। चलो कोई बात नहीं, रस तो ब्रेड रखो ना। ब्रेड भी रखे पापा जी, 30 रुपये। ये नहीं खा रहा। ठीक है दाल ठीक है। जैसा कि सब लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, छोटे बड़े बालक सब, तो नंदनी कभी मन करा ये पहनने का है? घुमाओगे इसे है? ये लंचा है क्या है? बता दो किसका बेटा ये? हाँ एंजल दीदी का। तो आप ट्राई करके देख रहे हो उसे है? कह रही बुआ जी मुझे अपना दो आप। अच्छा, तय करके रख रही थी। हाँ। ये इन्होंने निकाला खाना है, एंजल ने और चिंकी ने। अच्छा, तो मैंने निकाला इसे उठा कर रख दू, तो देख के कह रही बुआ जी मुझे अपना दो ना आप। अच्छा हाँ, तो इसे पहन दो घूम घूम के दिखा रही देखे से। भाई ये तो ओवर साइज हो गया नंदनी है, आपका लाएंगे छोटा सा। बेबी डॉल बेबी डॉल बेबी डॉल। हाँ मजा आया ना? ओ भाई बस बस बस। नारी तेरी मुंडी तो मोड़ लेता है, बाजी जो पर जाता ताले जो खोल लेता है। पापा इसे उतार दो। इसे उतार दें अब? चलो इसका काम पूरा हो गया, ये आउटफिट आप अलग निकाल दो। नंदनी यहाँ पर थोड़ी सी सज सवर कर
तैयार हुई थी और बच्चों ने ना इस वाले रूम में पूरा अंधेरा कर रखा। अब हम करते हैं इनके खाने पीने का इंतजाम। अभी चलते हैं हम कहीं बाहर खाना लेने के लिए, कुछ लेकर आएंगे बच्चों के लिए जो ये पेट भरकर खाए। अभी तक तो इनका नाश्ता हुआ था, तो जी एक बज जाएगा जब तक हमें। और गुड्डू ने जो कार्रवाई की है उसमें कुछ नहीं करा, एक प्लास्टिक का बॉयल जो होता है ना वो बिगाड़ दिया इसने। कितने एक्सपेरिमेंट करती है लेकिन एक में भी सक्सेसफुल नहीं होती। हाँ कई बार इसे रख दे गुड्डू, इसे रख दे देख। बुआ जी उधर है कपड़े संगवारी, थोड़े है कपड़े कल के धुले हुए थे ना वे संगवारी अभी तय कर दी। तो बाकी के किचन के और घर में के सारे काम निपट चुके हैं। आज बृहस्पतिवार है, कपड़ों की धुलाई स्टॉप, और नंदनी के कपड़े मैंने चेंज कर दिए थे, खुद मैं नहा ली। लाओ हाँ जी ये देखो, रात ये रोया, अब पता नहीं क्यों रोया ये, इसे ठंड में कल नुहा दिया था, नू रोया ठंड लग गई इसके, पता नहीं क्या बात थी। फिलहाल किचन कर दी थी हमने क्लीन, और ये गुड्डू ने फैलाया है जो भी कुछ है किचन में इधर उधर, ये पैन चाय के, और ये बोली मेरे लिए क्या लाओगे, तो जो सब खाएंगे उससे अलग तेरा परहेज का खाना हम यहीं आके बना देंगे, पहले जो ठीक है ना उनके लिए लिया मैं। तेरा मन कहीं कुकर है नू बता, तेरा मन तो अभी उसको कर रहा बस केले खाने को, ये तो इनते केले टाया अपना पटड़ी रख रखी यहाँ, इस पे चढ़ेगी ये देखो और अपना केले खावेगी और खावेगी। कोलगेट चूसेगी चॉकलेट? अच्छा जी आपको क्या चूसना भाई, तू छेड़छाड़ ना करा इतनी, इसके लारे में से इतनी छेड़ पसंद नहीं है सार्थक, अच्छी बात नहीं है यहाँ, कमी तो तू भी नहीं गालता, दोनों भाई तो मैं सही हो। किसे कम बताऊं नू बता, आओ ना आओ ना, तू सार्थक मार है मेरा। तो आज उसने यहाँ पर आने के लिए अगले ट्रिप के लिए बिल्कुल मना कर दिया है, बोल रहा है मम्मी अब की बार यहाँ पर मत आना, सार्थक मुझे परेशान करता है। सार्थक इसने ये बात सबके सामने बुलवा दी, देख देख